हर हर महादेव, जय हो भोजपुरी समाज, लव यू। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज हम चलते हैं जहाँ भोजपुरी गाने का वीडियो एडिटिंग किया जाता है, मिक्सिंग किया जाता है, तो वहीं हम चलते हैं आज। तो आपको दिखलाएंगे कि कैसा एडिटिंग होता है, किस तरह मिक्सिंग किया जाता है उसको। और वहाँ भी अभी कैमरामैन और एक्टर भी वहाँ पे हैं, जो वीडियो का एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, वो सब वहीं पे हैं। तो वहाँ से हम चलते हैं, सबको मिलाएं और बात भी करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी हम यहाँ से अभी घर पे हैं अपने हैं, तो अभी हम निकलते हैं। तो हमारे इस ब्लॉग पर आप बने रहिएगा लास्ट तक। तो गाइस चलिए, गाइज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे लैब पे, जहाँ वीडियो एडिटिंग होता है। तो वहाँ डायरेक्टर एक्टर वो भी हैं, उनसे हम भी बात करेंगे और बातचीत करेंगे, आपसे मिलाएंगे। सो गाइज, आप ब्लॉग पर बने रहिए। तो पहले हम कैमरामैन और एडिटर से संपर्क करवाते हैं, वो अभी फिलहाल तो एडिटिंग कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं हमारे लिए। तो क्योंकि हम आए हैं 14 किलोमीटर दूरी से आए हैं, तो गाइज चलिए उनसे मिलाते हैं, बात करते हैं, क्या बोलते हैं वो। गाइस ब्लॉग पर बने रहे। तो गाइस देखिए, अभी रितेश जी एडिटिंग कर रहे हैं, तो देखिए अभी एडिटिंग कर रहे हैं। अभी शायद बिजी लग रहा है, हमको देखने से लग रहा है, लेकिन हमारे लिए कुछ टाइम निकालेंगे। तो सब रहते हैं शाम के लिए, और ये शूटिंग के टाइम में बाजा बजता है, और ये सब जानते ही हैं क्या है, माउस है, और ये हेडफोन है। और देखिए, अब चलिए हम इनसे बात करते हैं, हमारे लिए तो कुछ टाइम निकाल चुके हैं, अब बात करते हैं इनसे, हम रितेश जी से। तो ब्लॉग तो बन रहे हैं हमारे। तो सो गाइस, रितेश जी हैं, एडिटिंग भी करते हैं और कैमरामैन भी है। जी भैया नमस्कार, प्रणाम। और नाम रितेश बाबू, कैमरा मैन, लेकिन एडिटर हूँ मैं। और हमारे अरमान जी आ जाए हमारे इंटरव्यू लेने के लिए हमारे ऑफिस पर। और अरमान जी जो हमसे पूछने आ रहे हैं कि भाई आप हमारे बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो अरमान जी तो एक बहुत बढ़िया है, और इनका जो है डीजे अरमान सिद्दीकी, बहुत बढ़िया एक डीजे के लिए काटते हैं, और बाकी इनके लिए मैं समय दे चुका हूँ। और हमारे कौन भैया है हमारे पास में, आप जो भी बात करेंगे हमारे कौन भैया करेंगे, क्योंकि मैं एडिटिंग का काम बोलबम का, इसलिए मैं ज्यादा देर तक समय नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि अभी एडिटिंग में है, बिजी थोड़ा है, तो अभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी हम चलिए, तो कौन भैया से बात। तो गाइस, तो चलिए हम कौन भैया से कुछ बात करते हैं कि अपने लाइफ के बारे में क्या बोलते हैं, कि कैसे कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखे हैं। तो चलिए, तो आप लोग इस ब्लॉग पर बने रहें। तो पवन दिया, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप बहुत दूर से मेरे से मिलने के लिए आए,
और उसके बाद जितने भी मेरे स्वतागण देख रहे हैं सबको मैं चरण स्पष्ट कर रहा हूँ कि चूँकि कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। और रही बात इंडस्ट्री में आने की, 2008 में हम आए, उसके बाद बहुत सारे काफ़ी मैं संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया मैंने, तो मैं यहाँ तक मुकाम पाया हूँ। वो आप लोग का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँचा, और ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें। और अरमान जी का भी बहुत मेरा सपोर्ट है कि अरमान जी मुझे हर जगह फॉलो करते हैं और अपने ब्लॉगिंग के लिए हर जगह मुझे फॉलो करते हैं कि पवन जी ये बात है, पवन जी ये बात है, ये बात है, वो बात बहुत करते रहते हैं। और चूँकि मुझे अपने भाई जैसे मानते हैं ये, क्योंकि बहुत दूर से इतनी धूप में मेरे पास आए हुए हैं अपने ऑफिस पे, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग कुछ काम कर रहे थे, लेकिन अरमान जी का फ़ोन आया कि पवन जी मैं आ रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई आप आइए, आपका स्वागत है। हमको रिसीव किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम आए जब तो ये बोले रिसीव किए, आए बाइक लेकर, हम तो रोड गाड़ी से आए हुए थे, तो बाइक लेकर पवन जी आए, हमको बैठाए और अपने लैब पर लेकर आए। तो गाइज इनके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एक्टर पवन राजा ऑफिशियल, एक्टर पवन राजा ऑफिशियल चैनल का नाम है इनका, तो इनका चैनल पर जाकर आप इनका गाना सुन सकते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और इनका सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ मेरा भी चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, ठीक है। क्योंकि पवन भैया तो बड़े हैं, पहले इनका कीजिएगा उसके बाद ही मेरा कीजिएगा, छोड़िए पहले मेरा मत कीजिएगा, पहले इनका कीजिएगा। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो सो गाइज और बात बता दें कि हम कि हमको बहुत खुशी हुई आने पर, पवन जी का इंटरव्यू लेने के बाद बहुत खुशी हुई हमको। तो आपको कैसा लगा तो आप वीडियो में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइज यहीं हम वीडियो एंड करते हैं, तो अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद, हर हर महादेव। आप लोग का आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे हम सब के ऊपर। जय हो भोजपुरी समाज, लव यू।